Learn Without Fear is definitely a campaign which fits very well with the situation in India. About 50% of the children say in school they are either being bullied, being denigrated or being beaten. Corporal punishment is a prevalent feature. It is so prevalent that they don't even see it wrong. Even if you talk to children, they will tell you, okay, well, I got punished, but that's normal. We work with children's clubs. Children themselves analyzing the situation, communicating amongst themselves, but also communicating to the adults how they feel about being punished, being bullied. मतलब कि जैसे दो क्लास में एक 11वीं का है एक 9th का है तो सर ने गलती से मुझे 11वीं की सीट दे दी और उन्होंने पढ़ा भी नहीं कि ये 11वीं की सीट है कि ये 9th की सीट है और बेफालतू में मुझे कान पर थप्पड़ मार दिया। मैंने ये ड्राइंग इस विषय पर बनाई है कि जो बच्चे होते हैं कमज़ोर, जो स्कूल में जो मतलब बड़े जो अपनी मतलब चलाते हैं, मतलब दादागिरी चलाते हैं, मतलब जैसे कि तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को ना मारते हैं। तो जब वो बच्चा सर जी के पास जाता है तो वो कहता है सर जी वो मुझे मार रहा है, तो मगर जो सर जी कहते हैं कि जा, वो भगा देते हैं उस बच्चे को। देखिए ये तो बहुत गलत है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में मतलब कि ये इजाज़त नहीं है कि बच्चों को मारा जाए स्कूल टीचरों द्वारा, फिर भी टीचर मारते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन बच्चों की भी मिस्टेक होती है, लेकिन यदि अध्यापक ठीक तरह से बच्चों को समझाएं तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे गलती करेंगे। मुझे बाल पंचायत में आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बच्चों के अधिकारों के बारे में बताया जाता है और उनकी आगे की सुरक्षा के बारे में माँ बापों को बताया जाता है, और इसलिए मुझे बाल पंचायत में आना बहुत अच्छा लगता है। Learn Without Fear.